दोस्तों नमस्कार, मैं मनिंद्र यादव। दोस्तों मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म मिर्ज़िया का। दोस्तों डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे अक्स, रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग उनकी फिल्मों का बेहतर सबूत है। मेहरा की फिल्मों की खासियत होती है उनकी फिल्मों की कहानी, और मिर्ज़िया फिल्म में भी मेहरा ने कहानी पर खासा जोर दिया है। कहानी से ज़्यादा उन्होंने तकनीक पर खासा जोर दिया है। फिल्म को भव्य और दर्शनीय तो उन्होंने बना ही दिया है, लेकिन कहानी की कमजोरी फिल्म को ले डूबी। मजबूत कंटेंट के अभाव में सिर्फ विजुअल ट्रीट के बूते पर कहानी नहीं चल पाती है। मिर्ज़िया साहिबा की लोक कथा से प्रेरित कहानी मिर्ज़िया में दिखाई गई है। फिल्म में दो कहानी समानांतर चलती है। एक कहानी बरसों पुरानी है जिसमें दो प्रेमियों के प्रेम के खिलाफ जमाना है, दूसरी आज के दौर में सेट है। यह आदिल सूची की कहानी है। हालात आज भी वही है, एक बार फिर दुनिया प्रेमियों को मिलने नहीं देती। दो कहानियों को दिखाने का केवल यही तुक हो सकता है कि प्यार के खिलाफ दुनिया वर्षों पूर्व भी थी और आज भी है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा रंग दे बसंती में इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं कि उन्होंने अतीत की और वर्तमान की कहानियों के तार आपस में जोड़े थे, लेकिन ये प्रयोग यहाँ पर फेल हो गया। इन दोनों कहानियों को दिखाने का कोई ठोस आधार नहीं है। पुरानी कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया गया है। लद्दाख की वादियों में बिना किसी संवाद के इसे फिल्माया गया है, लेकिन इसका कोई ओर छोर नहीं है, सिर्फ टेक्निकल बाजी करी है। दूसरी कहानी राजस्थान के रेगिस्तान में फिल्माई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि आदिल और सूची बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, उनका अलगाव होता है और वर्षों बाद भी मिलते हैं। कहानी की सूची की शादी होने वाली होती है, अचानक आदिल सामने आ जाता है। इस कहानी में प्रेमियों के मिलन और बिछुड़ने को गीत संगीत के जरिए कुछ उभारने की कोशिश की गई है, लेकिन ये सब नकली सा लगता है। कहीं भी दर्शक अपने आप को भावनात्मक रूप से इस कहानी से जोड़ नहीं पाता, और यही फिल्म की सबसे बड़ी माइनस पॉइंट होती है। फिल्म की स्क्रिप्ट गुलजार ने लिखी है। गुलजार ने गीतों के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया है। नायक नायिका की मनोदशा का वर्णन गीतों के जरिए पता चलता है, और बैकग्राउंड में एक गाना बार बार बजता रहता है, होता है इश्क में अक्सर ऐसा होता है, चोट कहीं लगती है जाकर, जख्म कहीं पर होता है। बेहतरीन लाइनें सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि डायरेक्टर जो सोच रहे थे, जो बनाना चाह रहे थे, वो बना नहीं पाए। स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे थे। ये बात सही है कि मेहरा ने इस फिल्म को भव्य बनाया है। कभी लोहार को, कभी लोक कलाकारों को सूत्रधार बनाते हुए उन्होंने अपनी बात कही है। मुश्किल बात यह थी कि उन कहने के लिए छोटी सी बात थी और वक्त बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिल्म को खींचा गया ऐसा लगता है। फिल्म की लोकेशन आंखों को सुकून देती है, गीत संगीत भी अच्छे हैं और भव्य पेशकश है, लेकिन मेन जो होता है एक मजबूत कहानी, एक कंटेंट, वो मेहरा नहीं पेश कर पाए, इसलिए दर्शकों को बांध कर नहीं रख पाए। उनका फ्रेम को सुंदर बनाने की तरफ ज़्यादा जोर था। कहानी में वो फिट बैठते हों उसकी ज़रूरत हो या नहीं, दर्शक मनोरंजन चाहता है, लेकिन टेक्निकल रूप से आप इतनी भव्य फिल्म बना दो और उसमें कहानी और मनोरंजन के नाम पर कुछ ना हो तो कहानी नहीं चल सकती। वे कहानी में और टेक्निक में जोर ही नहीं, आपस में तालमेल ही नहीं बिठा पाए, इसलिए ये अतीत वाली कहानी बेकार लगती है। गुलजार के गीत शंकर एहसान लॉय का संगीत फिल्म का प्लस पॉइंट है। राजस्थान और लद्दाख की सुंदरता को इतने भव्य तरीके से दिखाया गया है कि आप देखते रह जाएंगे। मिर्ज़िया से अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है। उनको ज़्यादा अवसर नहीं मिले हैं, लेकिन उनको देखकर लगता है कि आने वाले भविष्य में वो एक अच्छे एक्टर के रूप में स्थापित हो सकते हैं। सयामी खेर का अभिनय एवरेज है, न ज़्यादा अच्छा न बुरा है, लेकिन उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। फिल्म को बनाया है फिल्म के निर्माता टी एस भारती मेहरा, रोहित खट्टर, राजीव टंडन, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, और मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से सिर्फ 2 स्टार। इसकी बिजनेस रेटिंग भी 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं जा पाएगी ऐसा मुझे लगता है।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।